पहले हमारे दर्शकों को यह बता दें कि 25 मार्च यानी कि कल का दिन शुक्रवार शाम 4 बजे वो ऐतिहासिक वक्त जब योगी आदित्यनाथ अपनी नई टीम के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मेहमानों के ठहरने और खाने पीने के उचित प्रबंध किए गए हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। यूपी में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी शानदार और यादगार शपथ ग्रहण की तैयारियों में लगी है। इकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, साथ ही मेहमानों के सत्कार के लिए हर उस चीज का ध्यान रखा गया है जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इकाना स्टेडियम में भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, पूरी तैयारी और हम हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे इकाना स्टेडियम से। अभी हम इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ तैयारियां लगातार जारी है। एसपीजी ने इस पूरे मैदान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। यहाँ एटीएस के कमांडोज तैनात होंगे, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर कमांडोज तैनात होंगे और ड्रोन से इस पूरे स्टेडियम की तैयारी की जाएगी। योगी सरकार 2.0 के मेगा शपथ ग्रहण के लिए इकाना स्टेडियम भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। स्टेडियम की भव्यता देखते ही बन रही है। कार्यक्रम में शामिल होने 70,000 मेहमानों के बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि क्रिकेट पिच को किसी तरह का नुकसान ना हो। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने स्टेडियम के अंदर जाकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको हर तस्वीर इकाना स्टेडियम से दिखा रहा है, जहां 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 50,000 की क्षमता है, अलग से जो बैठने की व्यवस्था की गई है। आप कुर्सियां देख सकते हैं इकाना स्टेडियम में, जो एलईडी लगी है वो देख सकते हैं। पूरा शपथ ग्रहण समारोह दिखाया जाएगा, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने मंत्री होंगे, जाति क्षेत्र देखकर मंत्रालय दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी। इसके साथ ही कई सारे नए चेहरे इसमें शामिल होंगे, यानी 2022 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो बिल्कुल अलग होगा। और जो पिच है उसको अलग से खाली रखा गया, जिससे पिच का नुकसान ना हो, बाद में मैच सकुशल निपटाए जा सके। तो तैयारियां पूरी हैं, भव्य और दिव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। 25 मार्च का दिन यूपी के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है। पूरे देश की निगाहें इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं। यही वजह है कि हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए बेताब है।